भारत में बढ़ती इंसानों की आबादी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है। लोगों को इनके होने से ही प्रॉब्लम है। ये कुत्ते रोड क्रॉस क्यों करते हैं? सड़क किनारे क्यों सोते हैं? रात को भौंकते क्यों हैं? यहाँ तक कि जब ये डॉग्स लोगों के सामने से गुजरते हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं। इसीलिए डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अब इन डॉग्स को पकड़ के स्टेरिलाइज कर रहे हैं ताकि इनकी आबादी कुछ कम हो सके। लेकिन इस प्रोसेस में इन स्ट्रीट डॉग्स को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। फिर भी समस्या वहीं का वहीं रहता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे किसको कष्ट ना हो और समस्या का पूर्ण समाधान हो सके। जिन डॉग्स को भारत में हम स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं, वो असल में भारत के मूल निवासी डॉग्स हैं और बहुत एंशियंट ब्रीड्स हैं। इनको इंडियन परिया डॉग्स भी कहा जाता है। ये डॉग्स बहुत ही क्लेवर और लॉयल होते हैं और रीजन वाइज इनकी वैरायटीज भी बहुत होती हैं। अब सरकार को इनको स्टेरिलाइज करने के बजाय इनको इंडियन प्योर नेटिव ब्रीड्स का ओरिजिनल स्टेटस वापस देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो ये आज स्ट्रीट में ऐसे बेसहारा घूम रहे हैं, इनसे इनको मुक्ति देनी चाहिए। सरकार को लोगों को ये प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो इन देसी डॉग्स को अडॉप्ट करें, इनसे प्यार करें और बेवजह इन डॉग्स को कष्ट ना पहुंचाए। अगर आप एक कॉलोनी या गांव में देखें तो वहां के पॉपुलेशन जितनी होगी उससे आधे डॉग्स भी वहां नहीं होंगे। तो अगर आप एक सिटी या गांव के आधे लोग भी इन देसी डॉग्स को अडॉप्ट कर लें, तो फिर स्ट्रीट में हमें इतने डॉग्स दिखेंगे ही नहीं। आजकल कुछ लोग देसी डॉग्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी अपने इग्नोरेंस में जी रहे हैं। भले वो इनको अडॉप्ट करें या ना करें, लेकिन इनको कष्ट देने में पीछे नहीं रहते, बेवजह इनको मारते पीटते रहते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो विदेशी नस्ल के कुत्तों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो दिखने में थोड़े सुंदर होते हैं और साइज में भी थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन क्या ये रेसिज्म नहीं है? अगर आप यूरोप के लोगों को देखें तो उनकी हाइट और हेल्थ नॉर्मल इंडियन लोगों से अच्छी होती है। उनका रंग भी गोरा होता है और वो अमीर भी होते हैं। लेकिन बस इसके लिए हम अपने इंडियन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह हमें हमारे देसी डॉग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉग्स कोई भी हो, वो लॉयल होते ही हैं। तो अब इसमें सरकार का रोल यह है कि उनको एक मूवमेंट चलाना है इन स्ट्रेट डॉग्स को सेव करने की। जैसे स्वच्छ भारत मिशन कामयाब हुआ, उसी तरह से अगर गवर्नमेंट स्ट्रीट एनिमल्स को एडॉप्ट करने का मिशन चलाए तो ये एक बढ़िया स्टेप होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट इन परिया डॉग्स को आर्मी और पुलिस के सर्विस में भी इंडक्ट करवा सकती है। इससे लोगों के अंदर इन डॉग्स के प्रति जो सोच है वो भी बदल सकती है और एनिमल क्रुएल्टी एक्ट को सरकार को और मजबूत बनाने की जरूरत है, जिससे जो लोग एनिमल को मारते हैं उनको कड़ी सजा हो सके। क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि कोई डॉग्स को मार रहा है तो कोई उन्हें जहर दे रहा है। इस तरह के अनेक केसेस हम रोज सुनते हैं। सरकार को इन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इन परिया डॉग्स के वैरायटीज के ऊपर रिसर्च भी होना चाहिए और उनके वैरायटीज में एक नया ब्रीड भी हम डेवलप कर सकते हैं जो हर तरह के क्लाइमेट कंडीशन में एडजस्ट कर सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में इंडियन ब्रीड्स को सेव करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर स्पेशियली अभी तक कुछ कहा नहीं है। तो यहाँ पे निष्कर्ष यह है कि इन देसी डॉग्स को हमें एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं, अपितु हमें इनको एक दोस्त के रूप में देखना चाहिए। और अगर सरकार इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करती तो लोगों को आगे आना चाहिए। विदेशी नस्ल के डॉग्स रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ में हम एक देसी डॉग भी अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं मांगते और इनकी इम्यूनिटी विदेशी कुत्तों से बहुत ज्यादा होती है।
तो इसी बात से हम लोग आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देसी इंडियन पोरिया डॉग्स को एडॉप्ट करेंगे और सरकार तक ये आवाज पहुंचाएंगे कि अब समय आ चुका है कि हम एक समाज के तौर पर एनिमल्स के प्रति और कॉन्शियस और कंपैशनेट बनें।